घर में अभी चल रहा है लग्जरी बजट टास्क, जिस टास्क के लिए दो टीमें बनाई गई हैं। इस टास्क के दौरान शेफाली ने शहनाज को थप्पड़ मारा है। जी हाँ, शेफाली ने सना को थप्पड़ मारा और रीजन दिया कि मैंने ये सब जानकर नहीं किया। शहनाज कुछ ज्यादा ही वॉयलेंट हो गई थी, इसीलिए मैंने ऐसी प्रक्रिया दी। वहीं दूसरी तरफ भाऊ अभी तक सोकर नहीं उठे थे, इसीलिए माहिरा ने बिग बॉस से कहा कि बिग बॉस उन्हें ऐसी सजा दे कि उनकी आत्मा भी भविष्य में सोने से परहेज करे। इस बात पर भाऊ गुस्सा हो जाते हैं और शहनाज और माहिरा से उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। जिन बातों को सुनकर शहनाज और माहिरा दोनों ही भाऊ से बहस करने लग जाती हैं। इन तीनों के बीच में बहुत ज्यादा बहस बढ़ जाती है। शहनाज को भाऊ बहस में ये कह देते हैं कि अरे राखी सावंत, मेरे से फालतू नहीं बोलने का। इस तरह शहनाज को एक बार फिर राखी सावंत से कंपेयर किया गया है। पहले जहां शहनाज को शेफाली ने, फिर रश्मि ने और अब भाऊ ने राखी सावंत से कंपेयर किया है, ये देखकर शहनाज के फैंस का गुस्सा देखने को मिला है। शहनाज के फैंस का कहना है कि भाऊ वैसे तो सबको सिखाते हैं कि लड़कियों को उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। वहीं खुद तो भाऊ सना को राखी सावंत बोलकर एक टाइम पर दो लड़कियों को गलत बोल रहे हैं। अब कहां गई भाऊ की लड़कियों को इज्जत देने वाली बात, भाऊ तो खुद लड़कियों को उल्टा बोलते हैं। फैंस का ये भी कहना है कि भाऊ का मुंह अब कुछ ज्यादा ही खुल गया है। इस तरह शहनाज के फैंस ने दिखाया शहनाज को राखी सावंत बोलने पर अपना गुस्सा। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी तरह की बिग बॉस से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल अर्पण न्यूज को करें सब्सक्राइब, और यस डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पर आई कोई भी इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।